हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। दिस इज सेवेंथ एपिसोड जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिजाइन, ऑर्डर एंड इन्वेंटरी ऑफ MYONE। डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे MYONE शटरिंग के डिजाइन्स क्या होते हैं, किस टाइप से आप लोग ऑर्डर करेंगे, किस टाइप से आप लोग इन्वेंटरी ऑन साइड मेंटेन करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। MYONE के जो पैलेट्स आते हैं उसका पूरा डिटेल में हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, डिटेल में हम लोग समझेंगे कि किस टाइप से आप लोगों को ऑन साइट प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं MYONE डिजाइन एस्पेक्ट। एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क इंटायरली मेड बाय एल्यूमिनियम अलॉय मटेरियल। एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क इज प्रोबेबली द मोस्ट वर्सेटाइल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन सिस्टम। It is suitable for typical high-rise housing and low-rise group housing. Typical floor means आप लोगों का जो structure होगा floor to floor same होना चाहिए, तब आप लोग MYONE use कर सकते हैं। अगर ज्यादा variations होंगे floor to floor में, structure change होगा, तो आप लोगों को difficult है MYONE shuttering use करने के लिए। इसीलिए typical जो structure होते हैं उसके लिए comfortable है MYONE shuttering। एंड रैपिड कंस्ट्रक्शन होता है, क्यों? क्योंकि 5 to 7 days में आप लोग एक पूरा स्लैब साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास मैन पावर एंड मटेरियल की अवेलेबिलिटी है तो। ये बहुत स्पीड है, आप लोगों को कन्वेंशनल शटरिंग में 15 to 25 days लग जाएंगे सेम वर्क करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 50 to 70% आप लोगों का जो टाइम है आप लोगों का सेव होगा। तो ये इसीलिए रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल यूनिट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज है। डिजाइन टू विथस्टैंड लिक्विड प्रेशर ऑफ 8 metric tons पर स्क्वायर मीटर। ये आप लोगों को डिजाइन एस्पेक्ट्स याद रखने हैं। यूनिट वेट ऑफ पैनल जो होगा 25 kg per square meter। ये वेरिएशन हो सकती है, इंडियन कंपनीज में 19 to 20 kg per square meter होता है, समटाइम 24 kg, बट ऑन एन एवरेज 25 kg per square meter इसका वेट है। एंड ये रिपीटेशंस 150 to 200 रिपीटेशंस है। ये रिपीटेशंस पे ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं। यहाँ पे 150 to 200 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ कि आप लोगों का एक जो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में आप लोगों को क्या है, यहाँ पे 50 रिपीटेशंस यूज हो रहे हैं। बट जब आप सेम जो प्रोजेक्ट यूज करेंगे, सेम प्रोजेक्ट जब यूज करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सेम प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोगों को 50 रिपीटेशंस यहाँ पे यूज हो गए सपोज कीजिए, तो यहाँ पे आप लोग अगेन इसको 50 to 60 times आप लोग यूज कर सकते हैं सेकेंड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों का 50 यूज हो जाएगा, यहाँ पे 50 यूज हो जाएगा, एंड अगेन आप लोग जो थर्ड प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये पूरे प्रोसेस को 200 टाइम्स आप लोग एक जो MYONE की प्लेट होगी वो यूज कर सकते हैं। बट इसके लिए आप लोगों को रिक्वायर्ड होगे, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स माइट बी डिफरेंट होगे, सेम नहीं हो सकते हैं, उसकी फुटिंग्स चेंज होगी, एरिया चेंज होगा। बट जो स्टैंडर्ड पैनल है हम लोगों का, जो रेशियो है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, 60-20-20 जो रेशियो से चलता है, तो आप लोग 60% MYONE पैनल्स यूज कर से लेंगे, एंड जो अदर MYONE पैनल्स है उसको मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो ये मॉडिफिकेशन का पूरा प्रोसेस भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो इस टाइप से 150 to 200 times एक बाय बाय करने के बाद में आप लोगों MYONE जो शटरिंग है पैनल से उसको यूज कर सकते हैं। बट कन्वेंशनल शटरिंग में मैक्सिमम 6 to 12 में यूज करने पे प्लाई की जो शटरिंग है वो स्क्रैप हो जाता है, तो उसको हम लोगों को बाय करना रहेगा एंड उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। सो गाइज, हम लोग समझते हैं प्रोसेस फ्रॉम शेल प्लान प्रिपरेशन टू MYONE रिसीव एट साइट। आगे हम लोग देखेंगे शेल प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है। शेल प्लान को कैसे रीड करते हैं, आगे रीडिंग ऑफ शेल प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है शेल प्लान बनने के बाद में MYONE रिसीव्ड कैसे होता है साइट पे। तो यहाँ पे देखेंगे इश्यू ऑफ वैलिड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स टू फॉर्मवर्क वेंडर। जो फॉर्मवर्क वेंडर है आप लोगों का, वो वेंडर को आप लोगों को सबसे पहले ड्रॉइंग्स देना है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे MFE MYONE का वेंडर कंसिडर करता हूँ तो आप लोगों को सब ड्रॉइंग्स है सबसे पहले सबमिट करनी रहेगी। सेकेंड क्या है, प्रिपेरेशन ऑफ शेल प्लान बाय फॉर्मवर्क वेंडर्स। फॉर्मवर्क जो वेंडर होगे, जो डिजाइन टीम होगी,
उसके साथ में आप लोगों को शेल प्लान को रिवाइज करना है एंड फाइनली एज पर योर एलिवेशन, एज पर योर आर्किटेक्ट, एज पर योर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ड्रॉइंग्स आप लोगों को मॉडिफाई करना है एंड फाइनली आप लोगों को शेल प्लान बनाना है। शेल प्लान में आप लोगों के जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब डिसाइड हो गए, उसके साइज डिसाइड हो गए एंड डिजाइन होगा। थर्ड जो है अप्रूवल ऑफ शेल प्लान बाय क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव। आप लोगों ने MFE को ड्रॉइंग्स दे दिए, उसके साथ में आप लोगों ने फॉर्मवर्क वेंडर के साथ में मिल के प्रिपेयर कर लिया, बट आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्लाइंट जो भी होगा, क्लाइंट सपोज करो कंपनी है, इंडियन कंपनी बिल्डर है, तो आप लोगों को उसको अप्रूवल देना है कि यस शेल प्लान है, वेरीफाइड है फ्रॉम RCC डिपार्टमेंट, फ्रॉम आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट एंड फ्रॉम क्लाइंट साइड एंड आप लोगों को MEP के साइड। आप लोगों को 4 अप्रूवल्स मैंडेटरी है आप लोगों को लेना है। यहाँ पे मैं 4 अप्रूवल्स डिटेल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से 4 अप्रूवल्स हो गए। फर्स्ट जो अप्रूवल आप लोगों को है वो RCC कंसल्टेंट के तरफ से होना चाहिए, RCC कंसल्टेंट से अप्रूवल लेना है। सेकेंड आप लोगों को क्या है, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट से आप लोगों को अप्रूवल लेना है। थर्ड अप्रूवल आप लोगों को लेना है MEP टीम से, आप लोगों को अप्रूवल लेना है। एंड फोर्थ जो है एग्जीक्यूशन टीम और जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट के तरफ से आप लोगों को अप्रूवल लेना है, तब आप लोगों का फाइनल अप्रूवल होगा, शेल प्लान अप्रूवल होगा। तो ये आप लोगों को शेल प्लान अप्रूवल के लिए ये जो टीम्स है ये टीम्स के अप्रूवल्स लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है, जब साइड पे वर्क होता है, जब एग्जीक्यूशन फेज आता है तब आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होगी। जब एग्जीक्यूशन फेज होगा तो वहां पे अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कि RCC कंसल्टेंट ड्राइंग्स में क्या गिवन है एंड आप लोगों की आर्किटेक्ट ड्राइंग में साइजेस क्या है, MEP की लाइंस किस टाइप से जा रही है, एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, अगर ये सब में कंफ्यूजन होगा तो एग्जीक्यूशन जब एक्चुअल वर्क ऑन साइट जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन एंड प्रॉब्लम्स होती है। तो आप लोगों को शेल प्लान अप्रूवल के टाइम पे ये सब रिप्रेजेंटेटिव्स है, इसका अप्रूवल्स एंड ड्राइंग की वेरिफिकेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप लोगों का शेल प्लान अप्रूव हो जाएगा तब आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करना है, किसका, MYONE पैनल्स के, फैब्रिकेशन ऑफ फॉर्मवर्क एट द फैक्ट्री, देन MYONE जो फैक्ट्री में फैब्रिकेशन स्टार्ट हो गया। फिफ्थ जो है मॉकअप ऑफ फॉर्मवर्क एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री में फैब्रिकेशन होने के बाद में मॉकअप होगा, देन अप्रूवल ऑफ मॉकअप बाय क्लाइंट, देन मॉकअप होने के बाद में ये जो कंप्लीट अप्रोक्सीमेट आप लोग ले लीजिए 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है, इसमें ये पूरे बैक एंड में प्रोसेस होते हैं एंड आप लोगों जो वेंडर है फॉर्मवर्क वेंडर और MEP, तो ये क्लाइंट है एक अप्रूवल डेट दे देंगे कि ये डेट पे एक टेंटेटिव हम लोगों को MYONE जो मटेरियल है ऑन साइट रिक्वायर्ड है एंड फिक्स्ड जो डेट है उसका अप्रूवल क्लाइंट से मिलने के बाद में डिस्पैच ऑफ फॉर्मवर्क मटेरियल टू साइट, जो फॉर्मवर्क वेंडर होगा वो डिस्पैच करेगा फॉर्मवर्क मटेरियल टू साइट। ये पूरा कंप्लीट साइकिल होता है, ये पूरा MYONE शेल प्लान प्रिपेरेशन से लेके MYONE जो मटेरियल है ऑन साइट रिसीव होने तक, तो ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप लोगों का मटेरियल जब साइट पे आता है तो एज अ साइट इंजीनियर, साइट टीम, क्लाइंट के तरफ से कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है MYONE। आप लोगों का 14 to 16,000 पर स्क्वायर मीटर अगर आप बाय कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली स्टैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रिसीप्ट ऑफ मटेरियल एट साइट, इस टाइप से पैलेट्स आते हैं आप लोगों के वेंडर्स के तरफ से, तो ये मटेरियल्स आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छे से पैलेट्स। एंड ये अनलोडिंग ऑफ कंटेनर यूजिंग फॉर्कलिफ्ट, प्रॉपरली आप लोगों को ये जो कंटेनर्स है उसकी अनलोडिंग करना है, फॉर्मवर्क की चेकिंग करना है एंड रिसीप्ट अगेंस्ट पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट क्या होता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्टॉक यार्ड जो है, जो आप लोगों का स्टॉक यार्ड होगा वो प्रॉपरली आप लोगों को बनाना है, किस टाइप से, इस टाइप से आप लोगों को यार्ड बनाना है जिसमें ये जो पैलेट्स हो गए, जो रिसीव्ड हो गए, अनलोडिंग हो गए, तो इस टाइप से ये एक स्टॉक यार्ड में आप लोग इसमें स्टोर करके इजीली रखेंगे एंड मॉनिटरिंग भी करना है प्रॉपरली है, डिफरेंट डिफरेंट बेस आप लोग बना के
रख सकते हैं। तो ये जो मटेरियल है रिसीव्ड करना है, ये आप लोगों के दो पॉइंट्स है, एक मटेरियल रिसीविंग है, देन स्टॉक यार्ड है, ये इस टाइप से आप लोगों को ध्यान रखना है। थर्ड, टिपिकल पैकिंग लिस्ट होती है, जो मटेरियल्स है आप लोगों के लाइक वॉल पैनल्स, डेक पैनल्स, स्पेशल मटेरियल्स, तो इस टाइप से पैकिंग लिस्ट होती है। ये पैकिंग लिस्ट को आप लोगों को वेरीफाई करना है, फिजिकली वेरीफाई करना है, 111 जो मटेरियल है उसको वेरीफाई करना है, इस टाइप से फिजिकली एंड सेपरेट आप लोगों को रखना है, क्योंकि जब मॉकअप होगा तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होगी अगर आप लोग सेपरेट यूनिट वाइज एंड आप लोगों को जो ये मटेरियल है यूनिट वाइज सेपरेट रखना है, क्योंकि जो पूरा प्लान होता है, शेल प्लान होते हैं, वो सब डिवाइड होते हैं यूनिट्स में, एंड यूनिट्स में भी सब डिवीजन होता है, यूनिट वन, यूनिट अगर सपोज ए बी सी डी ई, सपोज ऐसे यूनिट्स है तो यूनिट्स में भी सब डिविजन्स हो गए, लाइक बेडरूम, हॉल, किचन, इस टाइप से आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट जो रूम्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के भी सब डिविजन्स हो गए, तो आप लोगों को वेरिफिकेशन एज पर पैकिंग एंड शेल प्लान ड्रॉइंग बहुत अच्छे से करना है, एंड स्टैक प्रॉपरली एज पर रिक्वायरमेंट, ये जो मटेरियल है उसको स्टैकिंग बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मटेरियल ऑन साइट आ गया, आप लोगों ने वेरीफाई कर लिए, अब आप लोगों का साइट पे मॉकअप होने वाला है। अब पूरा मटेरियल आ चुका है, तो आप लोगों ने अभी स्टार्ट टू एंड यहां तक कि आप लोगों ने सब समझ लिए हैं कि किस टाइप से मटेरियल का टेंडरिंग होता है माय वन का, किस टाइप से कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, क्या एक्सेसरीज आप लोगों को रिक्वायर्ड है, किस टाइप से आप लोगों का पूरा प्रोसेस है, एंड अब मटेरियल जो माय वन है ऑन साइट रिसीव्ड भी हो चुका है, तो अब मॉकअप स्टार्ट होगा, मींस माय वन प्लेट्स है वो ऑन साइट हम लोग क्या करेंगे, इरेक्शन स्टार्ट करेंगे, मॉकअप स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ एक्सेसरीज रिक्वायर्ड होती है आप लोगों के प्रोक्योरमेंट टीम से और स्टोर टीम से, कुछ मटेरियल्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, एंड सबसे ज्यादा याद रखना है, अगर आप जितना अच्छे से केयर से हैंडल करेंगे माय वन पैनल्स को, उतने ज्यादा आप लोगों के रिपीटेशंस हो गए एंड लॉस कम होगा, एंड अगर मिसप्लेस अगर दो प्लेट्स भी हो गई तो आप लोगों को वो दो प्लेट्स के वजह से बहुत ज्यादा साइड पे हैम्पर होगा, तो आप लोगों को एक एक मटेरियल है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को केयर लेके सिस्टमेटिक स्टोर में आप लोगों को रखना है, क्योंकि अगर वो अगर सपोज कीजिए पूरे प्रोजेक्ट में आप लोगों को 10 पैनल्स अगर नहीं बन रहे, नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को, तो वो 10 पैनल्स आप लोगों को क्या करना रहेगा, रिवाइज बनाना रहेगा, एंड वो मैन्युफैक्चरिंग में टाइम एंड कॉस्ट दोनों आप लोगों का वेस्ट होगा। पिन वेजेस आप लोगों को पता है, पिन्स आप लोगों को लगने वाले हैं 50K, 132K वेजेस लगेंगे, वॉल्टाइज एंड स्लीव्स की रिक्वायरमेंट होगी, टायरॉड्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, विंग नट्स यूज होगा, वैलर्स एडिशनली आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, वैलर्स का फंक्शन में आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, अलाइनमेंट के लिए है, एंड वॉकवे जो होता है, हैंडरेल्स है, ये सब मटेरियल्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, स्पेशल टूल्स टैकल्स लाइक पैनल पुलर, टाई पुलर आप लोगों को सब रिक्वायर्ड हो गए, तो इस टाइप से पूरी प्लानिंग करनी है आप लोगों को, सब मटेरियल मैन्युफैक्चर करके एडवांस में रखना है मॉकअप के पहले, ये प्लानिंग फॉर एक्सेसरीज करना है। देन नेक्स्ट आप लोगों को ये जो मटेरियल रिसीव्ड हुआ है तो स्टोर डिपार्टमेंट की आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, इन्वेंट्री लिस्ट आप लोगों को मेंटेन करना है प्रॉपरली एक्सेल शीट में, जिसमें कौन सा मटेरियल कितने नंबर्स में है, कौन से साइज का है एंड कौन से यूनिट का, ये प्रॉपरली मेंटेन करना है, तो इस टाइप से ये डिजाइन ऑर्डर एंड इन्वेंटरी ऑफ माय वन है, जो एज अ एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट और एज अ क्लाइंट साइड आप लोगों को ये सब फॉलो करना है, जिसकी वजह से नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब आप लोगों का स्टार्ट होगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, तो ये जो माय वन प्लेट्स है, माय वन के मटेरियल्स है, आप लोगों के पास प्रॉपर ट्रैकिंग होगा प्रॉपर प्लानिंग होगा, तो आप लोग जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाएंगे तो प्रॉपर मॉडिफिकेशंस के लिए पैनल्स आप लोग सेलेक्ट कर पाएंगे, किस साइज पे आप लोगों के पास इन्वेंटरी है वो आप लोगों को इजीली अवेलेबल होगा, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जब मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी तो प्रीवियस प्रोजेक्ट और करंट प्रोजेक्ट में कौन से मटेरियल्स है, कौन से मटेरियल्स यूज हो सकते हैं, वो आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो गाइज, होप सो आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छे से इंफॉर्मेटिव नॉलेज दे रही होगी माय वन शटरिंग का। मुझे माय वन शटरिंग के मैंने पर्सनली ऑन साइट 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि किस टाइप से ऑन साइट प्रॉब्लम्स होती है, तो ये कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स है, मैंने इसलिए आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें प्रैक्टिकल
आप लोगों को नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। इस टाइप से आप लोगों को MyOne के टैकल करना है, MyOne की शटरिंग सीखना है एंड ये कोर्स में आप लोगों को डिटेल में मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। अगर आप लोग बेसिक लेवल पे हैं, फ्रेशर है, तो भी आप लोगों को प्रैक्टिकली वीडियो से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस टाइप से MyOne का वर्क होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।